तो बाइक का ओवरऑल लुक देखो भाई की पूरी बाइक जो है मॉडिफाई हो चुकी है इस वक्त। और ये रहे भाई भाई गाइस गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों के अपने घर में स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, मौज ले रहे होंगे। अभी फिलहाल के लिए टाइम हो चुका है भाई साहब 3 बजे हमारा जो है व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी लेट जो है, संडे है और संडे को हम लोग जो है 3 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इसलिए कहा मेरे साथ तो और एक फ्रेंड है, तो आगे मैं मिलाऊंगा आपसे। और आज का भाई साहब व्लॉग काफ़ी अल्टीमेट होने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला और काफ़ी मज़ेदार होने वाला। क्यों? क्योंकि आज हम जो है जम्मू के नंबर वन व्लॉगर, मतलब व्लॉगर या तो मोटर व्लॉगर कह लो, उनसे मिलने जा रहे हैं। मिलने के जा रहे हैं, ये खुद की थी है कि चलो भाई के घर पे जाएंगे, मे भी शायद वो घर पे मिले या ना मिले, वो तो बात की बात है। तो अभी जा रहे हैं हम आमिर माजिद के घर पे सिद्धा वाली साइड, देखते हैं अगर वो मिलेंगे तो वो भी बताएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं आमिर माजिद के घर पे। गाइस अभी फाइनली पहुंच चुकी हैं आमिर माजिद के घर के बाहर, मतलब कि मेरे थोड़ी सी बगल वाली साइड में ना आमिर माजिद का घर है। अब ये नहीं पता कि उनके जो गार्ड है वो हमें एंट्री देंगे नहीं देंगे, फिर भी जो आपको घर बताऊंगा अभी आपको मैं फिलहाल दूर से बता रहा हूं। उसके बाद जो अभी साथ में चलते हैं आमिर माजिद के घर के बाहर, अगर एंट्री मिलेगी तो भाई से बात करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तब भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या रहा। ये रहा गाइस आमिर माजिद का घर जहाँ पर वो क्वार्टर में रहता है, तो यही है जो कि वीडियो में भी देख सकते हो आप, तो वीडियो में भी यही कलर का और सिद्धड़ा वाली साइड में मिलता है। तो चलते ये रहा आमिर माजिद का घर, ये रही बिल्डिंग। अब ये नहीं पता कि कौन से क्वार्टर में रहता है वो, पर देखते हैं आगे। मेरे ख्याल से ना रोकेंगे गार्ड वगैरह जो है रोकेंगे आगे। बच्चे भी थे, बच्चे भी बोल रहे थे कि आमिर माजिद का, हमने पूछा ना उससे तो वो कह रहे हैं यही है। तो ये आ गया तभी अपार्टमेंट्स। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या यहाँ क्या सिनेरियो बनता है। यहीं से जो है भाई निकलता है बाहर अपने ना। हाँ यही है, यही है भाई, ये रहा, ये रहा घर। अब आमिर है भैया, अभी आमिर है अंदर, कहाँ गया हुआ कहीं अभी बाहर। आपने फाइनली देखा जो आमिर माजिद जो अभी अपने घर वाली साइड में नहीं था, वो मैं भी शायद कहीं गया हुआ घूमने वगैरह या तो व्लॉग वगैरह बनाने गया हुआ है बाहर। तो उसके गार्ड ने तो सीधा बोला, अच्छे थे गार्ड साहब, अच्छे थे, उन्होंने सीधा सिंपली वे में बोला कि हाँ भाई नहीं है। तो हमने भी इतना प्रेशर नहीं दिया उनको, तो मे भी शायद नेक्स्ट टाइम जो है कभी भी आए यहाँ तो देखते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं, अगर मिले हमसे तो मिल के जाएंगे, वरना ये बच्चे इनसे पूछते हैं कि ये भी वैसे कह रहे थे आमिर माजिद के बारे में, इनसे पूछते हैं। अंदर गया हुआ है वो, अंदर गया है, माय गार्ड ने मना कर दिया यार हमें जाने से। अच्छा तो वो कह रहे थे फोन वगैरह करने के लिए, सुबह गए थे बंदर, बंदे मैं बंदर कह रहा हूँ, आज सुबह बंदे गए थे अंदर। ये हमें मिले यहाँ पे सिद्धा वाली साइड में, और इन्होंने जो है आमिर माजिद के साथ फोटो खिंचाई यहाँ पे, क्योंकि तो गाइस ये लगी हुई है आमिर माजिद की बैटमैन, अभी तक बैटमैन जो है यहाँ पे लगी हुई है। फिलहाल के लिए मैं पहुंच चुका हूँ जहाँ पे आमिर माजिद जो अपनी मॉडिफिकेशन करवाता है बाइक की सारी बाइक जो है, जहाँ पे नेचर कैफे है, नेचर कैफे के बिल्कुल साथ में जो है के आर एम समथिंग कुछ ऐसा शोरूम है। तो यहाँ पे आमिर माजिद की बाइक लगी हुई है जो कि क्या कहते हैं कौन सी थी, बैटमैन 2.0। हाँ बैटमैन 2.0 जो कि मीटअप में उन्होंने दिखाई थी, इनोवेट की थी, ये बाइक लगी हुई है यहाँ पे ना गाइस आमिर माजिद की बाइक, और यहाँ पे जो है नाम लिखा हुआ है आमिर माजिद का, और भाई साहब 2.0 बैटमैन। और आज की जो वीडियो बाइक की आई है जो कि बैटमैन 1.0 बैटमैन जो है जल्दी आने वाली है, और यहाँ पे जो बैटमैन जो कितना अच्छी तरह लिखा गया है कि आप देख रहे हो इसमें वीडियो में। आमिर माजिद जो हमारे सामने पहुँच चुके हैं, मैंने फ़ोन किया भाई ने उठाया तो नहीं, फाइनली जो आमिर माजिद सागर कहाँ पे है, सागर सागर फर्स्ट टाइम, सागर फर्स्ट टाइम मीट कर रहा है आमिर माजिद से। कहाँ गया वो बंदा जिसकी बाइक भाग रही है, ये बाइक मुझे दे दे, कहाँ गया? आप ये बता दे सच बोलो, मुझे बाइक दे, मुझे तुम्हारा बैटमैन पसंद है, तुम बैटमैन मुझे दे।
और ये लगी है वाइल्ड वुल्फ की बाइक जो है, और साथ में लगी आमिर मस्जिद, ये रहा आमिर मस्जिद। मतलब आप इसमें बैटरी का इशू रहता है ना, बाइक छोटा है तो भाई एक नंबर ला। हेलो हेलो हेलो, मॉडिफाई नहीं कराई तो हम नहीं कराए। हेलो भाई हेलो, अरे भैया हमारा काम हुआ क्या? दो है 2.0 प्लीज प्रमोट प्रमोट ही भाई, जल्दी चेंज कर दिया क्या बात है, नंबर कंप्लीट नहीं लगा दिए थे, नंबर को कुछ नहीं लगा दिया, जरा और करेंगे क्या करेंगे ये रही भैया की बाइक जो मॉडिफाई हो चुकी है अभी पुलिस पे ना, थोड़ा और काम करना बाकी है अभी, ठीक है कोई बात नहीं, हम कहीं पर चेक करेंगे। अब ओके, ये भाई जो अपनी व्लॉगिंग करते हुए आमिर मस्जिद, आमिर मस्जिद अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई साहब, फॉर फर्स्ट टाइम इनको व्लॉगिंग करते हुए देख रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से निकालते हैं इनको, तो मेरा बहुत सही होने वाला भाई, बहुत अलग होने वाला है। अभी निकलते हैं यहाँ से, बाइक को लेके चलते हैं भाई, एक राइड मार के आते हैं। मेरे हिसाब से आज से ना पुरानी वाली सोसाइटी लेके जाएंगे, एक बार देख के आते हैं क्या बात। फिलहाल जो हमें निकल रहा है अभी बाइक वगैरह में, वाइल्ड वुल्फ एंड आमिर मस्जिद, तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा आमिर मस्जिद और वाइल्ड वुल्फ से मिलके। आमिर मस्जिद के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था और वाइल्ड वुल्फ के चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब करेंगे थोड़ी देर में, और काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छा फील हुआ यार, काफ़ी स्पीड जो है हमारे भाई हैं, पूरे भाई लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैंने वैसे बोल दिया उनको कि आमिर की पंकित वगैरह को भी सब्सक्राइब करने के लिए, पर अब होप तो अगर इन फ्यूचर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तब भी बेस्ट है, अब देखते हैं अगर क्लिप डालते हैं वो तो चले गए भाई हमारे जो है राइड करने के लिए, पुराने घर पे गए हैं अभी। वाटर स्पीड यार, वाटर स्पीड जो आमिर मस्जिद लेके गया हुआ है, और दूसरी बाइक जो आमिर मस्जिद की यहाँ पे खड़ी है, तो आपको उसका भी बताते हैं थोड़ा सा व्यू। और आमिर मस्जिद ने अपनी हर बाइक में जो आमिर मस्जिद लिखाया हुआ, क्यों नहीं लिखाया यार, एज अ मोटो ब्लॉगर जम्मू का नंबर वन ब्लॉगर है, तो इसलिए आमिर मस्जिद ने अपनी हर वीडियो में, हर बाइक में और हर गाड़ी में जो अपना लिखाया हुआ है, तो दिखाते हैं। अभी फाइनली मिल चुके हैं हम आमिर मस्जिद से, आमिर मस्जिद का आपको बता दिया, और आपने बैटमैन 2.0 भी बता दिया, और बैटमैन जो है 1.0 वो भी जल्द जो है भाई के पास आएगा। और फिलहाल के लिए भाई साहब अब चलता हूँ मैं घर पे, और नेचर कैफे ये पीछे है, और इनके ओनर से भी बात करके काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे जस्ट नए धमाकेदारों नेक्स्ट ब्लॉग का, बाय बाय।